हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग विद आशु। और आज हम बनाने जा रहे हैं एक वेबसाइट। अगर आपको वेबसाइट बनानी नहीं आती है तो ये आपके लिए एकदम परफेक्ट जगह है जहाँ पे आप वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं। तो आज की जो हमारी वेबसाइट है वो हम कहाँ पे बनाएंगे और किस में बनाएंगे? तो जो हमारी आज की वेबसाइट है वो हम बनाएंगे HTML के थ्रू। तो HTML क्या है? HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जितनी भी वेबसाइट है वो सारी की सारी HTML के थ्रू ही बनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको Drupal.it सर्च करना है। अभी आपके सामने Drupal.it की स्क्रीन आ जाएगी। एक बार आप लॉगिन कर लोगे तब तो ये ऐसी स्क्रीन आ जाएगी लॉगिन करने के बाद। तो यहाँ पे मैंने ये Drupal.it इसलिए चूज करा है क्योंकि हम इसमें साथ ही साथ जो भी आउटपुट्स हैं वो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये छोटा सा ब्लू बटन है, यहाँ पे क्लिक करते हैं और HTML में हम अपनी फाइल बनाएंगे इसलिए हम HTML लैंग्वेज चूज कर लेंगे और फिर कर देंगे क्रिएट Drupal। तो यहाँ पे पहले जितना भी कोड लिखा हुआ है आपको सब कुछ बैकस्पेस कर देना है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो हम लिखेंगे वो होगा HTML। तो HTML हमने क्यों लिखा? ये HTML ये बताता है कि यहाँ से HTML की फाइल ओपन हो रही है। और फिर हम लिखेंगे /HTML। तो इसका क्या मतलब है? दो तरह के टैग होते हैं, एक होता है ओपनिंग टैग और एक होता है क्लोजिंग टैग। तो इनके बीच का अंतर क्या है? इनके बीच का अंतर ये है कि क्लोजिंग टैग के आगे एक स्लैश लग जाएगा। तो जितना भी कोड होगा वो सब कुछ हम दो इन HTML के बीच में ही लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे हेड। कुछ भी चीज़ है उसमें सबसे पहले हेडर आता है ना, और फिर हम कर देंगे हेडर क्लोज। तो क्लोज करना, अगर आपने कोई टैग ओपन किया है तो उसको क्लोज करना मत भूलना, वरना उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, वो कुछ काम ही नहीं कर पाएगा फिर। और इस हेड के अंदर लिखना है टाइटल। तो यहाँ पे इन टाइटल्स के बीच की जो स्पेस है ये वाली स्पेस में हम अपने वेबसाइट का टाइटल डालेंगे। तो हमारी वेबसाइट का टाइटल है पिज्जा कॉर्नर। ये हमारी वेबसाइट का टाइटल हो गया। अब इधर जाके हम यहाँ पे लिखेंगे बॉडी। अब ये बॉडी क्या चीज़ है? बॉडी में ही हमारी वेबसाइट का सारा कंटेंट, चाहे वो PDF हो, चाहे वो इमेजेस हो या टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, सब कुछ बॉडी के अंदर ही आएगा। तो अगर कोई टैग ओपन किया है तो उसको क्लोज करना है तो क्लोज कर दिए। मैं हमेशा इन दोनों को साथ में ही कर देता हूँ क्योंकि फिर आधी बार क्या होता है कि याद नहीं रहता कि हमने कौन सा टैग ओपन किया है, कौन सा क्लोज। तो मैं तो यही प्रिफर करता हूँ कि पहले दोनों के दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग लिख दूँ और उनके बीच में सारा कंटेंट लिख दूँ। अब हम यहाँ पे जाके लिखेंगे HRBR। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इस HR का मतलब ये हुआ कि यहाँ से एक नई लाइन शुरू होती है और BR यानी कि यहाँ पे एक स्पेस डलेगा। तो HR मतलब नई लाइन और BR मतलब स्पेस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वेलकम टू आवर वेबसाइट। आपको जो भी लिखना हो आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे हम साथ के साथ ही आउटपुट्स देख सकते हैं। तो जैसे मैंने ये कोड लिख दिया। और एक चीज़ याद रखना कि टैग अगर कोई ओपन कराए तो उसको क्लोज करें। तो ये मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया। अब यहाँ पे जाके हम करेंगे इसको रन, तो हमको साथ के साथ यहाँ पे आउटपुट्स भी दिखते रहेंगे। और अगर आपको ये अलग उसमें देखनी है, अलग स्लाइड में देखनी है,
तो आप ये ओपन इन अ न्यू टैब वाला ऑप्शन जो यहाँ पे आ रहा है, एक मिनट में बता दूँ। हाँ एक सेकंड, ये वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर लो, तो आपको ये नई वेबसाइट में सॉरी नए पेज पे खोल के दे देगा। तो यहाँ पे आपने जो भी आउटपुट लिखा होगा वो यहाँ पे आता रहेगा, और जो हमने वेबसाइट का टाइटल दिया था वो इधर आएगा, ये दिख रहा है ना। तो अब हमने यहाँ पे ये लिख दिया, अब हमको इसको और दो तीन लाइन लिखनी है। तो फिर से वही चीज़, एचआर, लेकिन इस बार हम इसके आगे कोई स्पेस नहीं देना चाहते, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे ही लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। ये हमने ये लिख दिया, तो ये आ गया नई लाइन में। अब अगर आपको ये जो बीच की लाइन है, अगर ये बीच की लाइन आपको नहीं चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे आप, तो उसमें हम क्या कर देंगे, एच की जगह बी डाल देंगे, एचआर नहीं डालेंगे, सिर्फ बीआर डालेंगे, यानी कि स्पेस। तो ये हो गया एचआर बीआर वाला जो था। एचआर बीआर मतलब नया टॉपिक, एचआर का मतलब ये हुआ कि यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है या यहाँ से कुछ नई चीज़ स्टार्ट हो रही है। तो उसके आगे ये हमेशा ऐसी एक ब्लैक लाइन दे देगा, मैं आपको बता देता हूँ, ये हमेशा ऐसी एक ब्लैक लाइन देगा उसके आगे, ये लाइन दिख रही है ना आपको। तो ये आपको सामने एक ऐसी लाइन दे देगा, और अगर आपने सिर्फ बी आर लिखा है तो आपको स्पेस मिलेगी और मतलब इसके बीच में लाइन नहीं आएगी, जैसे बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं तो उनमें यही किया जाता है। अब हमको क्या करना है, हमको वेलकम टू आर वेबसाइट थोड़े बड़े साइज में लिखना है। तो वो हम क्या कैसे करेंगे, तो HTML में साइज 6 होते हैं, 6 साइजेस होते हैं, वो होती है H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो जो H1 होता है वो होता है सबसे बड़ा, और H6 होता है वो होता है सबसे छोटा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे H1, और यहाँ पे भी लिख देंगे H1। ये हमने लिख दिया H1 H1। तो अब ये जो वेलकम टू आर वेबसाइट है वो बड़ी साइज में आ जाएगा, ये वेलकम टू आर वेबसाइट आ गया बड़ी साइज में। अब हमको हेलो वर्ल्ड साइज यही रखनी है, लेकिन इसको बोल्ड करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो कोड होगा वो होगा बी। आगे भी पीछे भी, आगे भी पीछे भी। और एक चीज़ याद रखनी है, अगर आपको कोई चीज़ है वो बोल्ड में लिखनी है या उसको हेडिंग में बड़ा करना है, तो जो वो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है वो उनके बीच में ही लिखें। जैसे ये मैंने लिख दिया बीबी। अब कुछ कुछ लोग क्या सोच रहे होंगे कि बाहर लिख दे क्या फ़र्क पड़ता है, तो मैं इसको बाहर लिखता हूँ, ये मैंने इसको बाहर लिख दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो ये बोल्ड हुआ ही नहीं, नहीं हुआ ना ये बोल्ड। तो इसके लिए हमेशा अगर आपको कोई चीज़ बोल्ड करनी हो या कोई चीज़ बड़े साइज में करनी हो तो हमेशा इन दो लाइन के बीच में लिखें। अब मैं इसको इधर लिखता हूँ, तो अब ये भी बोल्ड हो गया। तो वो हमेशा जो भी चीज़ आपको अंडरलाइन करनी हो, बोल्ड करनी हो, वो हमेशा क्लोजिंग और ओपनिंग टैग हमारी में। आज की वेबसाइट का फर्स्ट पार्ट। तो देखा आपने, सिर्फ इंजीनियर्स ही नहीं, हम लोग भी वेबसाइट बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूले, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।